एक बात और कहना चाहता हूं, हमें घटनाओं का लाभ लेना चाहिए। सुंदर खगोलीय घटना है और इस समय जब शाम को 6:15 होंगे उस समय अपने घर में जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर दी। और कहीं भी आप पवित्र स्थान पर है तो पहले गंगा स्नान करिए, पवित्र नदी में स्नान करने के बाद सुंदर आसन बिछाकर बीज मंत्र का जाप करें, नवग्रहों के बीज मंत्र का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, भगवान शिव के पंचाक्षरी और षडाक्षरी मंत्र का जाप करें, हर कष्ट हर परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं। ग्रहण से पहले स्नान करना बहुत जरूरी है और ग्रहण के बाद भी स्नान करना अति आवश्यक है। इस बात का हाँ, ग्रहण के दौरान भोजन करना अच्छा नहीं माना गया है, ये कहते हैं, क्योंकि इस समय जो मेटाबॉलिकल सिस्टम है, जो रासायनिक परिवर्तन बॉडी में होता है, वो नुकसान दे सकता है, क्योंकि इन जो रश्मियां हैं, जो किरणों का प्रभाव है बॉडी पर रहता है। इस समय इस बात जो 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 सांसारिक चीजें जो हमारे संत महात्मा हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं, उन्हें इग्नोर करना ठीक नहीं है। और ये विज्ञान भी मानता है इस बात को, आप भी विज्ञान भी मानता है, इस बात का ध्यान रखें। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, जिस तरह के ग्रह योगायोग चंद्र ग्रहण के समय क्या लाभ होगा, क्या सावधानी, क्या उपाय करें, क्योंकि आपका ग्रहण अष्टम भाव में हो रहा है, क्या लाभ होगा आपको? यदि आप बेरोजगार, आपको रोजगार मिलेगा। यदि आप नौकरी में, तो बॉस आपसे खुश रहेगा। मनोनुकूल स्थान परिवर्तन, प्रमोशन की संभावना, धन प्राप्ति के साधन उपलब्ध होंगे। तो जो ग्रह योगायोग है वो आपको लाभ दे रहे हैं, लेकिन सावधानी क्या है, तो शत्रु को कमजोर नहीं समझे। दैनिक दिनचर्या व्यवस्थित रखें, नौकरी और व्यवसाय में लोगों पर अंधा विश्वास नहीं करें, और चल और अचल संपत्ति खरीदते समय बुजुर्गों की सलाह नजरअंदाज नहीं करें। इन बात का ध्यान रखें। और तुला राशि वालों, यदि कोई जीवन में परेशानी है, कष्ट है, लेन देन के मसले अटक रहे हैं, या कहीं भी कोई तकलीफ आ रही हो, तो श्रद्धानुसार गेहूं ग्रहण समाप्ति के बाद श्रद्धानुसार गेहूं तांबा पीले कपड़े में बांधकर सदाचारी ब्राह्मण या गरीब व्यक्तियों के मंदिर में दान दे दीजिए, हर कष्ट और हर परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। पर एक बात और, ग्रहण समाप्ति के बाद गौशाला में सरसों की खली या भूसा दान देना बहुत अच्छा, गायों को चारा का दान देना बहुत अच्छा, का रहर की दाल देना बहुत अच्छा माना गया है। ये आपके लिए बड़ा शुभ और कल्याणकारी रहेगा। नमन कि ग्रहण बहुत अनुकूल, अलौकिक और अद्वितीय है, चिंता नहीं चिंतन करें, कर्मों को सुधारें। और जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं, इन उपायों का सहारा लेने से के इस समय के जो ग्रह योगायोग है, यदि कोई परेशानी है तो उसका निवारण हो जाएगा। फिर याद दिलाना चाहूं, उपाय तभी फायदा देंगे जब आपके कर्म ठीक रहेंगे। और जिन लोगों ने अभी अभी चैनल खोला है, उन्हें मैं ये बताना चाहता हूं, आज शाम 6:15 पर ग्रहण प्रारंभ होगा और 9:48 तक ग्रहण रहेगा। खगरास लग जाएगा, ग्रहण कब लगेगा, तो 7:36 पर ग्रहण लगना प्रारंभ हो जाएगा, खगरास लगना प्रारंभ हो जाएगा। ग्रहण का मध्य 8:02 पर है और ग्रहण की जो खगरास समाप्ति है वो 8:28 पर है, और पूर्ण ग्रहण की समाप्ति 9:48 है। ध्यान रखिएगा, ग्रहण काल में ग्रहण से पूर्व पवित्र जल से स्नान करके मंत्र जाप करें, नवग्रहों के जाप करें, अपने राशि अधिपति ग्रह का जाप करें, भगवान शिव के पंचाक्षरी और षडाक्षरी मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, दुर्गा नवरात्र मंत्र का जाप करें। और इसके साथ साथ यदि आप ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करेंगे ग्रहण के दौरान 6:15 से 9:48 बीच में, तो जीवन के संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा। भयभीत नहीं हो, ग्रहण देने आया है, लेने कुछ भी नहीं आया। कष्ट हाँ लेगा तो आपके कष्ट लेगा, परेशानियां हर लेगा। ग्रहण से भयभीत मत हो, अपने कर्मों से भयभीत हो और कर्म सुधारो, और जो उपाय मैं बता रहा हूं इसका सारा लो, कष्ट मिटेंगे और परेशानियों का निवारण होगा। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहण सप्तम भाव में हो रहा है और उस समय जो ग्रहण के समय जो ग्रह योग है उनको मैं देखूं तो कैरियर संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा वृश्चिक राशि वालों को। यदि कहीं रोजगार नहीं मिल रहा तो रोजगार मिलेगा और सरकार से भी लाभ मिलेगा, मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और यात्राओं पर जाने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं वृश्चिक राशि वालों, यात्राएं जो भी करनी है वो दिसंबर के एंड में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, यात्राओं में लाभ जरूर मिलेगा। सावधानी क्या बरते, अनावश्यक शत्रुता से बचना, बिना वजह क्रोध नहीं करें, अपने दुश्मन नहीं बनाए, कार्य परिवर्तन और स्थान परिवर्तन की दिमाग में ना सोचे, और पेट संबंधी कोई बीमारी नहीं हो, पित्त संबंधी कोई बीमारी नहीं हो, इस बात पर ध्यान दें। और फिर आप भयभीत क्यों हो रहे, यदि कहीं परेशानी है तो उपाय मैं बता रहा हूं, आज ग्रहण है,
9:48 मिनट के बाद पुनः स्नान करें। जिस आप जैसे आपने आपकी राशि वृश्चिक है और आपने ओम क्राम क्रीम क्रम शब हुमाय नमः या ओम हम पवन ननाय स्वा या गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का यदि आपने जाप किया, जाप के उपरांत आप दशांश हवन किया, हवन नहीं किया तो स्नान जरूर करें और स्नान करने के बाद अपने इष्ट देव का ध्यान करें और ग्रंथ समाप्ति के बाद काले और सफेद रंग के कंबल का दान देना वृश्चिक राशि वालों के लिए। बहुत काला कंबल है उसमें सफेद निशान जरूर हो, यदि दान दे तो बहुत अच्छा रहेगा। कंबल अभी खरीद कर रख लेना अच्छा रहेगा। काले और सफेद तिल और शतनाजा मंदिर में दान देंगे तो भी वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों, ग्रहण ये जो चंद्र ग्रहण है ये छठे भाव में हो रहा है और चंद्रग्रहण के समय जो ग्रह योगायोग है उससे आपको क्या लाभ मिलेगा, तो उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। मनोनुकूल प्रमोशन और स्थान परिवर्तन का योग नजर आएगा और मनोअभिलाषाएं पूरी होगी। अनावश्यक बीमारी से पीछा छोड़ेगा और शत्रु पर विजय रहेगी। क्या बरते सावधानी, तो वैवाहिक जीवन में आसक्ति थोड़ी सी परेशानियां इस समय के ग्रह योगायोग से बुरे वैष्णव से दुखों का कारण बनेंगे। आंखों संबंधी तकलीफ की हो सकती है और मान सम्मान के प्रति सजग नहीं रहे तो परेशानी आ सकती। इस तरह के ग्रह योगायोग है इस समय, क्या उपाय करें? तो आज ग्रहण के समय 6:15 से लेकर 9:48 ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। ग्रहण समाप्ति पर पुनः स्नान करें, जल में गंगा जल जरूर मिलाए, तत्पश्चात भगवान गणेश जी के श्रीचरण में मोदक का भोग लगाए और 108 दुर्वा अर्पित कर देते हैं तो ये एक महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव एक महीना तक रहता है। ग्रहण के समय जो ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव है वो एक महीना तक का फल प्रदान करेंगे। इस समय जो ग्रह योगायोग है एक महीना तक ये उपाय आप करते रहे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्या करें? ग्रहण समाप्ति के बाद चारपाई का दान कुष्ठ रोगियों को धनराशि वाले करते हैं तो उन्हें बहुत अनुकूल और बहुत शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। नमन। और ग्रह योगायोग की बात करूं, क्योंकि मकर राशि वालों के लिए चंद्रग्रहण पंचम भाव में हो रहा है और पंचम भाव संतान भाव है, शिक्षा का भाव है, साधना का भाव है, बहुत अद्भुत भाव माना जाता है, पंचम त्रिकोण माना जाता है। और मकर राशि वालों उस समय का जो ग्रह योगायोग है, इन ग्रह योगायोग के आधार पर यदि मैं देखूं तो संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होगी, व्यावसायिक समस्याओं से पीछा छूटेगा और व्यवसाय में लाभ के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। अनावश्यक विघ्न और परेशानियों से पीछा छूटेगा और घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। जिस तरह के घर योगायोग है, क्या सावधानी बरते, लंबी यात्राओं से बचना बहुत जरूरी, छोटे भाई बहनों को से बना के रखना बहुत जरूरी और नौकरी में अपने बॉस का विरोध नहीं करें इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या 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 उपाय करें, क्या उपाय करें? मकर राशि वालों, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें और 108 परिक्रमा करें, ये एक महीना तक उपाय करें बहुत अच्छा रहेगा। आज चंद्रग्रहण है और चंद्रग्रहण के समय मकर राशि वालों ओम शम शनिश्चराय नमः 6:15 से लेकर 9:48 के बीच में ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें और जाप के उपरांत किन्नर को हरी वस्तुओं का दान दे देते हैं तो कारोबार, कैरियर और परिवार संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमन। मैं पुनः राशि पे आऊँ उससे पहले फिर अभी बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी अभी चैनल खोला है उन्हें बताना चाहिए, आज शाम 6:15 से लेकर 9:48 के बीच में चंद्रग्रहण रहेगा और ये बहुत सुंदर खगोलीय घटना, इससे भयभीत होने की कहीं जरूरत नहीं। इस समय चिंतन करेंगे, जाप करेंगे, मंत्र जाप का अद्भुत प्रभाव रहेगा, क्योंकि जो इस समय का जो समय है बहुत जो खगोलीय घटना है इस दौरान जो जाप आप करेंगे उसका सीधा प्रभाव आपके मस्तिष्क पर पड़ेगा, आपके जीवन पर पड़ेगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि 6:15 पर ग्रहण प्रारंभ होगा और उससे पहले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और शुद्ध आसन पर बैठकर नवग्रहों के बीच मंत्र का जाप करें। 12 के 12 राशियों के लोग अपने राशि अधिपति, यदि मेष राशि वाले तो मंगल का जाप करें, मेष और वृश्चिक राशि वाले, और तुला और वृषभ वाले शुक्र के बीच मंत्र का जाप करें, मिथुन और कन्या वाले बुध के बीच मंत्र का जाप करें, कर्क राशि वाले चंद्रमा के बीच मंत्र का जाप करें और सिंह राशि वाले सूर्य के बीच मंत्र का जाप करें, और धनु और मीन राशि वाले बृहस्पति के बीच मंत्र का जाप करें, और कुंभ और मकर राशि वाले शनि के बीज मंत्र का जाप करें। ये नहीं हो सकता, ये याद नहीं है तो ओम नमः शिवाय गायत्री मंत्र या ओम हम पवनंदनाय स्वाहा या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना ग्रहण के दौरान बहुत अनुकूल और बहुत शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं इस समय कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, जिस तरह के घर योगायोग है, चंद्र ग्रहण चौथे भाव में है, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या लाभ होगा आपको इस समय के ग्रह योगायोग होगा तो पारिवारिक समस्याओं का निवारण होगा और रुके हुए काम बनने लगेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा और अपनों के साथ बैठने का अवसर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह के ग्रह योगायोग है समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। क्या सावधानी बरतें,
चूक नुकसान का कारण बन सकती है, चूक नुकसान का कारण बन सकती है। अनावश्यक खर्चों से बचना होगा, अनैतिक कार्यों से दूर रहना होगा, दैनिक दिनचर्या नियमित रखना होगा और खान पान के प्रति सजग रहना पड़ेगा। ये सावधानियां आपके लिए है जिसपे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और एक बात और, कुंभ राशि वालों, कहीं कोई परेशानी है तो चंद्र ग्रहण के बाद, आज ग्रहण है 6:15 से 9:48 के बीच में, कुंभ राशि वाले ओम शम शनिश्चराय नमः, ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कल है प्रिया, कंट की चात तुरंगी महिषी अजा, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करते हैं तो उनके लिए अनुकूल और लाभदायक रहेगा। साथ ही ग्रहण के बाद 2 किलो या श्रद्धा अनुसार धुली रहर की दाल मंदिर में दान दे तो बहुत अच्छा रहेगा। सफेद रंग की धोती काले किनारे वाले सफाई कर्मचारी को ग्रहण के बाद दान देना शुभ और मंगलमय रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, ये ग्रहण आपके तीसरे भाव में हो रहा है और ग्रहण के समय जो ग्रह योगायोग है वो संकेत दे रहे हैं कि लेन देन के मसले निपटेंगे, कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा, अकस्मात धन कोष में वृद्धि होगी, शेयर मार्केट में लाभ होगा, धन और ऐश्वर्य का पूर्ण सुख आपको प्राप्त होगा। मीन राशि वालों, सावधानी क्या बरतें? बीमारी में थोड़ी सी सावधानी बरतें, व्यर्थ के भय भ्रम और मानसिक चिंताओं से सावधान रहें, स्त्रियों से अपमान का भय हो सकता है इस पर ध्यान दें, और संतान संबंधी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये परेशानियां हैं तो ग्रहण के बाद, पहले तो आज जो 6:15 शाम को ग्रहण प्रारंभ हो रहा है उस समय आप ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति की बीज मंत्र का जाप करें, और ग्रहण समाप्ति के बाद पुनः स्नान करें, स्नान करने के बाद 1.25 मीटर सफेद कपड़ा और 11 मूली श्रद्धानुसार आटा किसी मंदिर में या गरीब व्यक्ति को दान में दे दीजिएगा, संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिलेगा। एक बात और, ग्रह नक्षत्र ये कह रहे हैं ग्रहण समाप्ति के बाद यदि घर में कुत्ता यदि पाल दिया जाए तो आपके लिए बहुत शुभ और बहुत मंगलमय रहेगा। ये उपाय बड़ा छोटा सा लेकिन बहुत कल्याणकारी है। नमोनारायण। ये था ग्रहण के समय हो रहे ग्रह योगायोगों का प्रभाव, लाभ, सावधानियां और उपाय। पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, एक संदेश, एक शोध, एक अनुभव लेके आपके सामने आता हूं। हथेली में शस्त्र उगाता नहीं हूं और ईटीवी के माध्यम से मैं सनातन संस्कृति को परोसने आ रहा हूं, और ईटीवी का संपूर्ण प्रयास रहता है कि वो आपको सनातन संस्कृति रूबरू कराए। ये चैनल आपको कभी कहीं भ्रम और भ्रांति में नहीं जोड़ता है, ये आपको बताता है कि ये अनुभव है, मर्जी आपकी है। और मैं हर रोज की तरह एक बात कहना चाहता हूं कि मैं हर रोज रात में ईटीवी पर गुरु मंत्र लेके आ रहा हूं, इसे देखना नहीं। गुरु मंत्र मेरी जीवन भर की संपूर्ण तमाशा का फल है। रात में 11 बजे गुरु मंत्र मात्र ईटीवी पे है और कहीं मैं नहीं बोलता हूं, इस बात का भी ध्यान रखें। और एक बात और कहना चाहता हूं, मैं 2, 3, 4 जनवरी को मैं मुंबई आ रहा हूं, और मुंबई आ रहा हूं इसका कतई मतलब कि मुझे आपसे कुछ चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूं जो ईटीवी के दर्शक हैं, जो हमें रोज मेल करते हैं, ईमेल करते हैं, एसएमएस करते हैं, फोन करते हैं कि दाती महाराज से मिलना चाहते हैं। यदि आप बंबई में मेरे से मिलना चाहते हैं तो आप 9810006245 इस नंबर पर 10 बजे लेकर 12 बजे के बीच में फोन कर अपना अपॉइंटमेंट ले लें, या शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में इस नंबर पर संपर्क करके 9810006245 इस नंबर पर संपर्क करें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और राजस्थान के लिए भी 9, 10, 11 जनवरी को मैं जयपुर में रहूंगा। राजस्थान के सारे लोगों से कहना चाहता हूं यदि आप मिलना चाहते हो ईटीवी के माध्यम से जयपुर में, मैं 9, 10, 11 जनवरी करूंगा, और इसके लिए आपको 9414124600 पर संपर्क करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं कोलकाता में आ रहा हूं ईटीवी के माध्यम से तो 16, 17, 18 जनवरी को मैं कोलकाता में रहूंगा। मैं चाहूंगा कि वहां के लिए आप 9810006245 नंबर पर संपर्क करें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। पुनः एक बार संपूर्ण राष्ट्र को मेरी ओर से नमो नारायण, और रात में 11 बजे गुरु मंत्र जरूर देखें।